कपूरथला पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल करते हुए पेशेवर नशा तस्कर सरबजीत सिंह लोगा ते वरुण कुमार नू 1 किलो हेरोइन ते 7,20,000 रुपए की ड्रग मनी समेत काबू किया है। पुलिस मुताबिक यह दोवें तस्कर 16 मई नू थाना कोतवाली च दर्ज किए गए मामले च लुड़ेंदे सन। पुलिस के उच्च अधिकारियों ने जानकारी देते हुए दसा है कि काबू किया गया मुलजम सरबजीत सिंह लोगा साल 2012 ते 13 च 1 किलो बरामद हैरोइन के मामले च सजा कट रहा है ते जमानत ते बाहर आया हुआ है। पुलिस वालों उक्त मुलजमान नू जयपुर तो बीती 3 जुलाई नू गिरफ्तार किया गया सी ते उन्हां दी निशानदेही ते 4 जुलाई नू 1 किलो हैरोइन 7,20,000 रुपए की ड्रग मनी ते 1 स्विफ्ट डीआई कार बरामद की है। मानयोग SSP साहब कपूरथला श्री सुरिंदर सिंह जी इन्हों वालों नशे खिलाफ़ जी मुहिम स्टार्ट की गई है वो सानू 5वें महीने सफलता मिली सी जिदे 89 FIR नंबर जी है कोतवाली थाने के दर्ज हुई सी जिदे असी एक नेकदीप सिंह इली सन्नी है जिहड़ा कि जलंधर का रहने वाला है उन्होंने असी कोतवाली थाने के लागे गिरफ्तार किया फिर फरदर इनवैसटीगेशन उन्हें गांह दस्या जिन्होंने मैं ड्रग दिना है जिदे एक मुंडा सरबजीत सिंह लोगा आ वो भी उन्हें नॉमी ऐसी इसे मुकदमे नॉमीनेट किया उस तो बाद फरार सेगा फिर सानू इनफॉर्मेशन मिली सी कि जयपुर के लागे हैगा है फिर साड़ी टीम वालों जी है जयपुर रेड किया गया जिदे विच सानू इहदे नाल मुंडा वरुण आ वो भी असी अरैसट किया है ते नाल लोगा भी अरैसट किया उत्थों असी इन्हां को बरामदगी की है इन्हां को एक डिजायर गड्डी जी है इन्होंने इतने छुपा के रखी से कपूरथला एक वो असी रिकवर की है 1 किलो हीरोइन जी है वो रिकवर की है ते नाल 7,20,000 रुपया जिहड़ा है असी रिकवर किया है। सर ये लोग इहोजे धंधे च इन्हां दे शामिल होण दा कारण की ऐशो आराम दी जिंदगी या फिर कि इन्हां दा प्रीवियस रिकॉर्ड भी सी क्यों इहदे विच शामिल सी ये 2012 दे विच भी 1 किलो हीरोइन दा परचा दर्ज सीगा कपूरथले दे विच पुलिस स्टेशन सदर दे विच ते उहदे विच भी इहनूं 10 साल सज़ा हुई है जिहदे विच 2017 विच बाहर आया सीगा आउण तों बाद इहने फिर अपना नैटवर्क जिहड़ा स्टार्ट किया सी जिहदे विच जी बंद रिकवरी कराई है। सर एक बहुत वाडा सवाल आता है जो इधर के लोग पुलिस की गिरफ्त में आते हैं तो यह अपने इन पैसों इनवैसट करते हैं या प्रॉपर्टीज़ के कुछ इदा दे बारे भी जानकारी कोई प्रॉपर्टीज़ या लग्जरी लाइफ की कुछ एसेट्स तुसी रिकवर किए हो या अटैच की हो जी एक नवी कोठी बनाई है जी वो असी ऑलरेडी अटैच कर दी है तो यह प्रॉपरली केस तैयार करके भी भेजा जाऊगा ED में भेजा जाऊगा तो जी बैंक अकाउंट से ये लॉकर से अभी ऑलरेडी सीज करा चुके हैं ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਇਨਵੋਲਵ ਹੈ ਜੀ ਆ ਬੰਦੇ ਜੀ ਪਰ ਦੇ ਪੁੱਛ ਕੇ ਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਊਗਾ ਕਿ ਇਹ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਪਾਇਆ ਜੀ ਜਿੱਦਾਂ ਜੈਪੁਰ ਲੁਕਿਆ ਸੀ ਉੱਥੇ ਵੀ ਇਹਦੇ ਕੋਈ ਇਨਪੁਟ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਲਿੰਕ ਅਪ ਸੀਗੇ ਜੈਪੁਰ ਤਾਂ ਇਹ ਲੋਕ ਇਸ ਕਰਕੇ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਮੈਂ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਗਿਰ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੈਪੁਰ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਫਰਦਰ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਆ ਪੁੱਛ ਗਿੱਛ ਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏਗੀ ਵੀ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਦੇ ਰਿਮਾਂਡ 'ਤੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 3 ਦਿਨ ਦੇ ਰਿਮਾਂਡ 'ਤੇ ਹੈਗਾ ਜੀ ਸਰ ਕਿੰਨੀ ਡਰਗ ਮਨੀ ਕਿੰਨੀ ਫੜੀ ਜੀ ਪੈਸੇ ਇਹ 7,20,000 ਰੁਪਈਏ ਦੇ ਕੋਲ ਡਰਗ ਮਨੀ ਰਿਕਵਰ ਕੀਤੀ ਅਸੀਂ ਅਤੇ 1 ਕੇਜੀ ਹੀਰੋਇਨ ਰਿਕਵਰ ਕੀਤੀ ਆ ਇੱਕ ਡਿਜ਼ਾਇਰ ਗੱਡੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਸੀਗੀ ਉਹ ਵੀ ਰਿਕਵਰ ਕੀਤੀ ਅਸੀਂ ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਲੋਕਰ ਹੈਗੇ ਇੰਡਸਇੰਡ ਬੈਂਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇੱਥੇ ਕਪੂਰਥਲਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਰ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ ਅਤੇ ਲੋਕਰ ਵੀ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਕਹਿਣ ਮੁਤਾਬਕ ਡਰਗ ਮਨੀ ਤਾਂ ਸੋਨਾ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਆ ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਰਿਕਵਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਜਨਾ ਸ਼ਰਮਾ ਨਾਮਕ ਇੱਕ ਔਰਤ ਪਾਸੋਂ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਉਰਫ ਲੋਗਾ ਦਾ ਡਰੱਗ ਮਨੀ ਨਾਲ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ 9,10,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਸੋਨਾ ਵੀ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦਾ 3 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਰਿਮਾਂਡ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਰਿਮਾਂਡ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਖੁਲਾਸੇ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਜਤਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਪੂਰਥਲਾ ਤੋਂ ਨਰੇਸ਼ ਖੋਸਲਾ, ਖਬਰ ਹਰਪਲ, ਇੰਡੀਆ ਲਈ।